प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में अध्याय नंबर 5 खनिज व ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे, तो पहले हम पढ़ रहे थे पूर्व के वीडियो में से धात्विक अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में हमने दो भाग पढ़े थे, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत जिनको उपयोग कई सदियों से कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और बाद में अब हम जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी आधुनिक, गैर परंपरागत यानी आधुनिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पढ़ लिया था परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो कौन सा था ऊर्जा का आधुनिक या गैर परंपरागत स्रोत। तो हमने उसके एक साथ नाम लिख लिए थे, जिसमें हमने एक का वर्णन कंप्लीट कर लिया था। अब हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जो जब तक सूर्य है तब तक हमें उससे ऊर्जा मिलती रहेगी, और जैसे सूर्य से जो प्लेटें लगी होती है अपनी छत के ऊपर या सार्वजनिक भवनों पर या अपने कुएं पर, आपने देखा होगा कि उन प्लेटों के माध्यम से वो बैटरियों में इन्वर्टर होता है, उनमें वो ऊर्जा सेव हो जाती है और उनको हम विद्युत के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये ऊर्जा का एक नवीकरण योग्य संसाधन है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल है, उसके भंडार तो क्या है, सीमित है, क्या है, सीमित है। तो अगर जिस गति से हम उसका उपयोग करें तो आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो पेट्रोल डीजल के अलावा जो आधुनिक की हम बात कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा है, ये कभी नष्ट होने वाले नहीं है। यानी ये इसके भंडार असीमित हैं, जब तक सूर्य है जब तक हवा है तब तक ये हमें मिलते रहेंगे। यानी इसको हम नवीकरण योग्य संसाधन कह सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सेकंड नंबर पे सौर ऊर्जा। तो एक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, अब दो नंबर पे पढ़ेंगे हम सौर ऊर्जा। इसमें देखो, अब सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, तो ये इसके लिए मौसम का साफ होना ज़रूरी है, विशेषकर अपने राजस्थान में जैसे थार का मरुस्थल है और गुजरात जैसे क्षेत्र में ज़्यादा कारगर है। तो इसमें देखो, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, या भारत के अनेक देशों में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा है, ये केवल नहीं कि तो राजस्थान में गुजरात में और भी है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो देखो ये हमारा वीडियो चल रहा है पार्ट नंबर 7, कौन सा ये भी ध्यान रखेंगे, पार्ट नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिए, पार्ट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे लिखेंगे यानी भारत में यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। दोहन की असीम मतलब जिसका कोई सीमा नहीं हो, कोई लिमिट ना हो, असीम संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, असीम संभावनाएं हैं। ये न असीम संभावनाएं हैं, यानी ये असीमित भंडार है इनके, यानी ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आगे देखो दूसरी लाइन में लिखेंगे हम कौन सी तकनीक, फोटोवोल्टाइक तकनीक या प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी जिसको हम कह सकते हैं, नवीन तकनीक फोटोवोल्टाइक, ये तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत में बदला जाता है। अब देखो जो सूर्य है तो उसमें आपने जो प्लेटें देखी होगी उस पर जो फोटोवोल्टाइक तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा
धूप को सीधे विद्युत में बदला जाता है ना, उस तकनीक के द्वारा। कौन तकनीक? फोटोवोल्टाइक तकनीक, नाम भी याद रखेंगे। कौन सी तकनीक धूप को सीधे विद्युत में यानी बिजली में बदला जाता है? आप कहेंगे फोटोवोल्टाइक तकनीक। कौन सी तकनीक? फोटोवोल्टाइक तकनीक या प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे ही विद्युत में बदला या परिवर्तित किया जाता है। आगे देखो, भारत के ग्रामीण, दूसरी लाइन में लिखेंगे, भारत के ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, यानी आम आदमी की ये पहुंच तक हो गई है, लोकप्रिय हो रही है। अब देखो, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में या सुदूर क्षेत्रों में भी क्या है, ये वो तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आप देखते हैं गांवों में, ढाणियों में, हर जगह पे आपको सौर ऊर्जा की प्लेटें, घरों में, सार्वजनिक भवनों पर, स्कूलों में, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हर जगह भारत में ये लोकप्रिय हो रही हैं। कुछ बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र देश में विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरी लाइन में लिखेंगे, कुछ बड़े यानी बड़े तो स्कूलों में, तो अपने घरों में हम देते, बिल्कुल छोटा प्लांट होता है यानी बहुत ज़्यादा अधिक क्षमता वाले बड़े बड़े प्लांट सौर ऊर्जा के बनाए जा रहे हैं, जिससे विद्युत उत्पादित की जाती हैं। तो कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र, बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र, जैसा हमने पढ़ा ना तापीय आणविक ऊर्जा संयंत्र पढ़ा था हमने, कल्पकम, केगा, ये तारापुर, राउतबाठा, नरोरा, ना उसी प्रकार सौर ऊर्जा के संयंत्र, सौर ऊर्जा के संयंत्र मतलब जहाँ पर ये सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं, यानी इसके बड़े बड़े प्लांट बनाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि हम ऊर्जा के मामले में या विद्युत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि जो कोयला और हमने पढ़ा था, वो सीमित संसाधन है, यानी वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका भंडार क्या है, सीमित है। ऐसी अपेक्षा या आशा है कि, अगले हम लिखेंगे, ऐसी अपेक्षा यानी आशा या उम्मीद, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से, सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में उपलों, मतलब जो गोबर के बनाए जाते हैं, उपलों व लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। न्यूनतम यानी बहुत, न्यून यानी कम, न्यूनतम यानी सबसे कम, यानी बहुत ही कम, न्यूनतम किया जा सकेगा, न्यूनतम किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा के प्रयोग से क्या होगा, उपलों व लकड़ी पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सकेगा। यह है, आगे से हम लिखेंगे, इससे क्या होगा, यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा वह कृषि में भी, यानी खेती में, वह कृषि में भी
खाद्य या खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी, ये पर्याप्त आपूर्ति होगी। देखो ये अपना कंप्लीट हो गया, कौन सा, सौर ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा भारतीय उष्ण कटिबंधीय देश है, क्योंकि इसके लिए जैसे मान लो कहीं बाद सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो वहाँ पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सूर्य की किरणों का पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में ये ज़्यादा कारगर है, क्योंकि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ पर सौर ऊर्जा की असीम यानी जिनकी कोई सीमा नहीं हो संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी द्वारा धूप को सीधे किसमें बदला जाता है, विद्युत में बदला जाता है। तकनीक का नाम याद रखेंगे आप या इसको रेखांकित कर लेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, यानी एक बार तो ये महंगी पड़ती है लेकिन बाद में उसमें इन्वेस्ट कम करना पड़ता है, और कहीं जो घरों में भी लगाते हैं तो जो बिजली का जो विद्युत का बिल होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उसमें आसानी से हम अपने घरों के जितने भी उपकरण हैं, टीवी, पंखे और भी जो बड़े जो भी उपकरण है, कंप्यूटर है, वो सब हम आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे हमने तापीय जो आणविक संयंत्र पर देते हैं ऊर्जा के संयंत्र में, उसी प्रकार बड़े बड़े प्लांट सौर ऊर्जा के भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। अब ऐसी आशा की जा रही है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से उपलों व लकड़ी पर जो निर्भर था उनको कम किया जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा हर उपकरण में काम आती है ये घरों में, तो उसमें ये पर्यावरण को भी संरक्षण होगा। या पर्यावरण को संरक्षण कैसे होगा कि जैसे हम लकड़ी है जो उपले नहीं जलाएंगे, जो उसे धुआं नहीं होगा तो पर्यावरण शुद्ध होगा। इसके अलावा कृषि में भी जो खाद्य जो इसको हम जला रहे हैं अब तक घर में उपलों को, तो उस खाद को हम खेती में डालेंगे तो हमें पर्याप्त आपूर्ति भी होगी। तो वो दो मान हमने कंप्लीट पढ़ ली हैं, सौर ऊर्जा पढ़ लिया हमने, आणविक ऊर्जा पढ़ लिया। अब तीसरा स्टेप पढ़ेंगे हम पवन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? पवन ऊर्जा। पिछले वीडियो में हमने जो पवन चक्की का जो आपको जो एक फोटो डाला गया था, तो उसी प्रकार से जैसे अपने सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ी पर या और कहीं आपने पवन चक्कियाँ देखी होगी, वो उससे बिजली बनाई जाती है। जैसे टरबाइन जो भी उसमें संयंत्र मशीनें लगी होती है वो उसको क्या करती हैं, विद्युत में बदल देती है। जैसे जल से जल विद्युत बनती है, सूर्य से सौर ऊर्जा बन गई, जो वो सीधे किस में बदल जाती है, विद्युत में बदल जाती है। अब देखो हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में लिखेंगे हम भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन की, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की बड़ी संभावना, यानी बड़ी मतलब अधिक संभावना है, जैसे सौर ऊर्जा की थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत में पवन ऊर्जा फार्म में संयंत्र या प्लांट फार्म के विशालतम, एक तो होता है विशाल यानी बड़ा, विशालतम यानी बहुत ज़्यादा बड़ा, विशालतम पेटी। अब ये याद रखेंगे कहाँ, तमिलनाडु जो दक्षिणी भारत का राज्य है, तमिलनाडु में नागरकोइल से, जगह का नाम है तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई, ये भी कहाँ है तमिलनाडु में मदुरई, या कई जगह मदुरई भी लिखाते हैं, तक अवस्थित या फैली है। अब देखो इसको रेखांकित कर लेंगे आप, तमिलनाडु में कौन सी जगह है, तमिलनाडु राज्य याद रह जाएगा, उसमें नागरकोइल से लेकर मदुरई, ये जगहों के नाम हैं। ये अपने राजस्थान जैसे सिक्कर है, चूरू, झुंझुनू जो भी हैं, तो उसी प्रकार ये जगह के नाम है। वहाँ पर तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा भारत में पवन ऊर्जा का फार्म है यानी प्लांट है,
उसमें तमिलनाडु में कौन सी जगह है नागरकोइल से मदुरई तक, तो आपको ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा या विशालतम पेटी या विशालतम फार्म कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में, कौन सी जगह है नागरकोइल से मदुरई तक, नागरकोइल से मदुरई तक या कोष्टक में लिख देंगे आप तमिलनाडु। इसके अलावा यानी ये तो विशालतम है, क्या है विशालतम यानी सबसे बड़ा भारत में, तो ये नंबर एक क्वेश्चन हो गया, ये तो सबसे बड़ा हो तो वो पूछा जाता है, ये छोटा तो विशालतम यानी सबसे बड़ा है भारत में तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक, क्या पवन ऊर्जा का प्लांट है ये। अगली लाइन में लिखेंगे हम इसके अलावा, इसके अलावा तमिलनाडु के अलावा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, यानी जो समुद्र किनारे के राज्य हैं सारे, देखो तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पे देखो कर्नाटक आ गया, गुजरात आ गया, केरल ये भी पश्चिम में है, महाराष्ट्र ये भी पश्चिमी तट पर है, इन राज्यों के नाम याद रखेंगे, वह लक्षद्वीप, वह लक्षद्वीप ये पश्चिम में है अरब सागर में, लक्षद्वीप का है पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समय, पश्चिम में अरब सागर में क्या है लक्षद्वीप में, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है, पवन ऊर्जा फार्म है। तो ये कंप्लीट हो गए आप, सबसे बड़ा तो कौन सा तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो समुद्र किनारे हैं लगभग वही राज्य हैं, देखो तमिलनाडु आ गया, फिर देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और ये द्वीप समूह है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं जो समुद्र किनारे हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, ज़्यादा कौन से हैं दक्षिण भारत के राज्य हैं सारे के सारे, ऐसे याद रख सकते हैं अपने। अब ये नहीं कि अपने राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में भी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इधर राजस्थान में सीकर में भी हैं, ऐसी बात नहीं, तो बड़े हैं विशालतम है, उनके ही नाम दिए जो मुख्य के नाम दिए गए हैं, बाकी जैसे अपने सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर भी हैं, और इसके अलावा बड़े प्लांट अपने राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में आपको मिलेंगे, सौर ऊर्जा के प्लांट भी ज़्यादा मिलेंगे पश्चिमी राजस्थान में क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो देखो इनके अलावा देखो नागरकोइल, अभी हमने पढ़ा नागरकोइल कहाँ है तमिलनाडु में, नागरकोइल व जैसलमेर, जैसलमेर जो राजस्थान में, नागरकोइल तो कहाँ है तमिलनाडु भी हमने पढ़ लिया, जैसलमेर कहाँ है अपने राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का एक ज़िला है, जैसलमेर देश में, इसको कौन ये लगा नागरकोइल जो जैसलमेर हैं जगह का नाम है, ये देश में या भारत में कैसे लिख सकते हैं, देश में पवन ऊर्जा के, पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो विशालतम पूछे तो तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक जो पेटी है वो, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र व लक्षद्वीप यानी अभी दक्षिण भारत के राज्य जो समुद्र किनारे वो सारे आप याद रख लेंगे पवन ऊर्जा में, और सबसे प्रभावी ऊर्जा का प्रयोग कौन से प्लांट से होता है, तो आप लिखेंगे नागरकोइल जो तमिलनाडु में है और जैसलमेर का राजस्थान में, जैसलमेर में पवन ऊर्जा के का जो प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्लांट, ये तीन जो ऊर्जा के स्रोत या आधुनिक वो हमने कंप्लीट कर दिए, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमने पढ़ लिया है। अब नंबर चार पे पढ़ेंगे हम बायोगैस, क्या पढ़ेंगे बायोगैस पढ़ेंगे या एबस है जो भी आपको आप लगा रहे थे वो चिन्ह जो भी आप लगा सकते हैं द लगा लें, इसमें पढ़ेंगे बायोगैस।
ये भी कौन सा है? आधुनिक है। कौन सा है? आधुनिक है, यानी गैर परंपरागत है। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि, तो देखो हम पढ़ रहे थे बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट यानी जो बेकार पदार्थ हैं जिसको हम काम में नहीं दे रहे हैं, कृषि अपशिष्ट के अलावा पशुओं, पशुओं व मानव जनित अपशिष्ट, मानव जनित यानी मानव के द्वारा फैला गया अवशिष्ट, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस उत्पन्न की जाती है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जो पवन चक्की प्रमुख जो संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र थे, वो जो बायोगैस था उनका वीडियो था, तो उसमें आप देख लेंगे, उसमें तो चित्र यानी पिक्चर डाली गई थी, वो आप पिक्चर देख लेंगे। तो उसमें देखो एक बड़ा टैंक बनाया जाता है, उसमें टैंक में जैसे पशुओं का जो अपशिष्ट मतलब गोबर है वो अपने घरों में जैसे सब्जियों के छिलके हैं या पेड़ों के पत्ते हैं, कृषि के जो अपशिष्ट हैं, घास फूस है, वो सब क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, ठीक है, उससे गैस बनती है। और उसको क्या करते हैं हम एक पाइप के द्वारा, उसमें पाइप लगा होता है तो वो उसमें गैस पाइप के द्वारा क्या है उसका कनेक्शन अपने जैसे हम घरों में जो है LPG गैस काम में लेते हैं सिलेंडर, तो उसमें खाना बनाने में वो काम आते हैं, वो सिलेंडर जो हम LPG गैस भरते हैं उसकी जगह ये बायोगैस काम में आती है, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस हमने पढ़ा कोयला वो तो किसी में आ गए थे परंपरागत में, तो उसके भंडार सीमित है, वो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बायोगैस है ये नष्ट होने वाला नहीं है, ये कौन सा है नवीकरण योग्य संसाधन है, ये नवीनतम है अर्थात आधुनिक संसाधन है। तो हम अपने अपशिष्टों को पशुओं के जो झाड़ियाँ होती हैं मतलब जो टहनियाँ वगैरह पत्ते मतलब जो भी अपशिष्ट हैं बेकार हैं अपने लिए, उसको हम क्या करेंगे उस टैंक में डाल देंगे, और उस टैंक से फिर जो गैस है वो पाइपलाइन के द्वारा अपने उसका कनेक्शन अपना जो खाना बनाने का जो चूल्हा होता है वहाँ तक चली जाती है, और भी जो सिस्टम उसमें होता है वो सब लगा होता है, तो उसको हम आवश्यकता के अनुसार सिलेंडर से हम उनको सिलेंडर को हम काम में लेते हैं, उस प्रकार हम उस बायोगैस को क्या कर सकते हैं काम में ले सकते हैं। तो ये आधुनिक विकल्प हो गया, ठीक है, तो इसको हम किस में शामिल करेंगे आधुनिक में। आगे देखो जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। ये जो उस टैंक में डालते हैं ना उसमें जैविक पदार्थ हैं उसके अपघटन से क्या उत्पन्न होती हैं, गैस उत्पन्न होती हैं जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल यानी गासलेट जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसको हम कहते हैं, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। अब जो बायोगैस जो अपशिष्ट जो कृषि अपशिष्ट हैं, मानव जनित अपशिष्ट हैं, ये सब उसमें टैंक में डाले जाते हैं, तो ये अपघटन के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, गैस बनती है। वो गैस देखो मिट्टी का तेल जिसको हम घासलेट कहते हैं, अपने जो कोयला है, जो गोबर के उपले हैं जो हैं, चारकोल है, उससे भी ज़्यादा अधिक सक्षम होती है ये, है ना, तो उसके विकल्प के रूप में हम इसको काम में
ले सकते हैं। आगे देखो, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र नगर पालिका जैसे ग्राम पंचायत होती है, शहरों में नगर पालिका होती है, ये जनसंख्या के आधार पर तय होते हैं, कहीं नगर निगम भी होता है। सहकारिता, सहकारिता मतलब साथ मिलकर कार्य करना, एवं निजी स्तर पर यानी अपने पर्सनल स्तर पर लगाए जाते हैं, पर लगाए जाते हैं अर्थात नगर पालिका क्षेत्र में, यानी कई लोग आपस में मिलकर सहकारिता के आधार पर वह अपने पर्सनल स्तर पर यानी खुद अपने पैसे से इन्वेस्ट करके भी हम घरों में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये रटने वाली दिवस में कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल साधारण है, जैसे हम कोई छठी सातवीं की किताब पढ़ रहे हैं। आगे देखो, पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले अभी मैंने बताया था पशु जनित भी था ना इसमें, तो पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र यानी प्लांट, यानी जिसमें केवल पशुओं का गोबर ही काम में लिया जाता है, तो संयंत्र ग्रामीण भारत में, क्योंकि जो पशुपालन गाँव में होता है शहरों में थोड़ी होता है, तो ग्रामीण भारत में ये जो गाँव में रहते हैं गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाम याद रखना है, गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो, गाँवों में पशु पाले जाते हैं तो केवल उसमें गोबर का प्रयोग करने वाले संयंत्र है, तो ग्रामीण भारत में से गोबर गैस यानी बायोगैस प्लांट का नाम क्या है, गोबर गैस प्लांट, क्या कहेंगे इसको, गोबर गैस प्लांट। ये किसानों को दो प्रकार से लाभ देते हैं, कौन से, गोबर गैस प्लांट। देखो, ये किसानों को, अगले अंश लिख लेंगे, ये किसानों को दो प्रकार से लाभ देते हैं यानी फायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, देखो दो प्रकार से कैसे, एक ऊर्जा के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, उन्नत प्रकार के उर्वरक यानी खाद, उर्वरक यानी खाद, उर्वरक के रूप में। तो देखो, तो ये किसानों को दो प्रकार लाभ, एक तो देखो उसको जो गोबर है उसको क्या करते हैं, वो उस प्लांट उसमें जो एक भी टैंक मैंने बताया टैंक होता है उसमें डाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी यानी वो अपने रसोई गैस के रूप में उसको काम में ले सकता है। दूसरा, वो गाँव में रहते हैं तो पशुओं का जो गोबर है उसको खाद के रूप में वो अपने खेतों में भी काम में लेता है, इस पर उसको दो प्रकार से उनको फ़ायदा पहुँचता है। आगे लिखेंगे इसके नीचे, बायोगैस अब तक, बायोगैस अब तक यानी वर्तमान तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में, पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है, तो देखो बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है, सबसे दक्ष है यानी सक्षम है। अंतिम लाइन लिखेंगे, यह उर्वरक, उर्वरक यानी खाद, यह उर्वरक की गुणवत्ता को, उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है व उपलों तथा लकड़ी को, उपलों व
लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। वृक्षों के नुकसान को रोकता है, यानी इनकी जगह देखो अभी ये उर्वरक की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमें जलाने की जो लकड़ी है उनको हमें काम में नहीं लेना पड़ेगा, जिस कारण से हमें पेड़ों को काटना नहीं पड़ेगा और उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो ये हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। हमने आणविक ऊर्जा हमने पढ़ लिया, पवन ऊर्जा पढ़ लिया और बायोगैस पढ़ लिया और सौर ऊर्जा पढ़ लिया। अब हम नंबर 5 पे पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? ज्वारीय ऊर्जा। ये 5 नंबर जो भी आप लगाते हैं नंबर लगा लें, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। ये देखो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा था, ज्वार भाटा का आपने नाम सुना होगा, तो ये समुद्र में जो तरंगियां होती हैं उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसको ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इसमें लिखे हैं महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये जो महासागर में जो तरंगे उड़ती हैं उन तरंगों से को क्या है? विद्युत में बदला जाता है। जैसे जल से जल विद्युत हो गई तो तरंगे का ज्वारी ऊर्जा आपको पता, ज्वार बाटा आपने पढ़ा होगा, तो ये समुद्र में तो आता है तो महासागरी तरंगों के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। आगे लिखेंगे हम संकरी, मतलब जिसकी चौड़ाई कम हो, संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। डैम ना, उसमें पानी को, मतलब बाढ़ के पानी को उसमें इकट्ठा, एक सकड़ा रास्ता बना लिया जाता है और वहाँ पर जल को इकट्ठा किया जाता है। आगे देखो जो समुद्र में ज्वार बाटा तो पानी की जो लहरें आती है वो पानी उसको एक बांध में इकट्ठा कर लिया जाता है। आगे लिखेंगे हम उच्च ज्वार में इस खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से यानी जहाँ से पानी प्रवेश करेगा, द्वार से पानी भीतर भर जाता है। प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है। यानी जो बाढ़ द्वार बनाकर अलग से बांध बना लिया जाता है। जैसे द्वार आता है तो जो पानी की लहरें समुद्र के किनारे से भी ऊपर उड़ती हैं तो वो क्या टकरा के जो पानी है वो उस सकड़े रास्ते के द्वारा दूसरी तरफ जाके इकट्ठा हो जाएगा। और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है, एवं द्वार मतलब गेट, द्वार यानी गेट द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है, पर जल बांध में ही रह जाता है, यानी वो वापस उस लहर के साथ वापस नहीं जा पाता, वो बाढ़ द्वार के बाहर
ज्वार उतरने पर यानी पानी जब वापस आता है समुद्र में, पर बांध के पानी को इसी रास्ते यानी जहाँ से वो प्रवेश किया था, पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, या प्रवाहित किया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला टरबाइन की ओर ले जाता है। ये टरबाइन से ही बिजली बनती है, टरबाइन की ओर और ले जाता है टरबाइन की ओर ले जाता है। तो देखो इसको हम समझ लेते हैं, तो देखो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन की ओर के लिए किया जा सकता है। सकड़ी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में जो लहरें आती है समुद्र की, उसमें सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है एवं द्वार बंद होने पर जल बांध में ही रह जाता है। जो समुद्र उसके किनारे की तरफ क्या एक बांध बना लिया जाता है, तो जो लहरें उठकर समुद्र जो काफ़ी लंबी लहरें उठती है ज्वार के समय, तो वो पानी क्या है उस प्रवेश द्वार से टकरा कर दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। समुद्र के किनारे अलग से डैम बना लिया जाता है, समझ रहे ना, तो इसमें इकट्ठा हो गया। अब ज्वार वापस उतरेगा, मतलब जो लहरें वापस समुद्र में, पानी जब द्वार शांत होगा तो पानी बहकर समुद्र में चला जाएगा। अब वो द्वार था वो बंद कर दिया जाता है, द्वार आता है तब, तो डैम बनने के बाद यानी बांध बनने के बाद द्वार के मुँह को या फाटक को क्या कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो पानी उसमें रह जाता है। अब ज्वार शांत होने के बाद या ज्वार जाने के बाद में क्या किया जाता है, तो बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर जो पानी हमने इकट्ठा किया था के पानी को उसी रास्ते, मतलब जिससे वो हमने सकड़े रास्ते से पानी को इकट्ठा किया था, उस रास्ते में पाइप द्वारा क्या करते हैं, उसको पाइप लगा हुआ तो उसमें पाइप द्वारा क्या करेंगे, समुद्र की तरफ वापस बहाया जाता है उस पानी को, ठीक है, जो इस ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। जो टरबाइन जो मशीन होती हैं उसकी तरफ वो जाता है और उससे क्या बनता है, ज्वारीय ऊर्जा यानी उससे ऊर्जा मिलती है, जैसे पवन ऊर्जा यानी वो विद्युत में बदलते हैं। टरबाइन जो मशीन होती है वो क्या करती है, उस पानी को वो समुद्र में वापस बहकर जाता है और उस मशीन से होकर या जो मतलब टरबाइन मशीन होती है उस पर जो भी डाला जाता होगा पानी, तो वो टरबाइन मशीन क्या करती है, उस पानी को विद्युत में बदल देती है। किस में बदल देती हैं, विद्युत में बदल देती है। तो ये कब करेंगे, जब ज्वार शांत हो जाए, ज्वार जितने समय आता रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको दूसरी तरफ डैम यानी बांध में इकट्ठा कर लेंगे और ज्वार जाने के बाद उसी पानी को, अब क्योंकि अब समुद्र में ज्वार शांत हो गया तो वो लहरें वापस नहीं आएगी, समुद्र शांत हो जाएगा, फिर क्या होगा कि जो हमने पानी इकट्ठा किया था उसको वापस हम पाइप के द्वारा क्या करते हैं, समुद्र की ओर प्रवाहित करते हैं। तो वो प्रवाहित होगा तो टरबाइन जो मशीन है वो क्या करेगी, उस जल को ऊर्जा में बदल देगी, जिसको हम ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। बन रही तो किससे ही है, इसको हम जल ऊर्जा नहीं कि उसको ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि ये ज्वार बाटा आपने सुना होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा और भी सामाजिक में भी चल रहा है ये, तो जो ज्वार बाटा है तो वो उसके कारण इसको जो पानी की जो ज्वार है वो तरंगे उड़ती है तो उससे ये उत्पन्न की जाती है, इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे इसको हम। आगे देखो, अब ये ज्वारीय ऊर्जा है वो भारत में कहाँ ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो देखो ये तो क्या था ज्वारीय ऊर्जा, ये हमने पढ़ लिया। अब ज्वार ये ऊर्जा भारत में कहाँ उत्पन्न की जाती है, तो देखो भारत में खंभात की खाड़ी, जिसने आपने माही नदी का नाम सुना होगा, माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है और लूनी नदी कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में।
तो भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी गुजरात में कच्छ की खाड़ी व पश्चिमी तट, ये जो समुद्र के तट यानी किनारा, पश्चिमी तट मतलब यहाँ ये अपना गुजरात से लेकर ये केरल तक, ये पश्चिमी तट आ गया, और उधर तमिलनाडु की तरफ कौन सा गया, पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर गुजरात में, तट पर गुजरात में, जैसे मान लो भारत का नक्शा, तो ये तो हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। और नक्शे में हम देखेंगे तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये पश्चिमी इस तरफ भी तो आते हैं ना, इस तरह हम नक्शे यानी मैप को याद रखेंगे। और ये आ गया पूरा का हिस्सा, तो पश्चिमी तट पर गुजरात में व पश्चिमी बंगाल में, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में, सुंदरवन क्षेत्र में, सुंदरवन डेल्टा जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया, सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा जब ज्वार आता है ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं विद्यमान है, आदर्श दशाएं विद्यमान। अब देखो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं कहाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत, छोटा प्रश्न आगे मतलब एक नंबर का, कि भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा है वो कहाँ उत्पन्न की जाती है या कहाँ उत्पन्न होने की संभावना है, तो आप लिखेंगे भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, और इसके अलावा पश्चिमी तट गुजरात में, पश्चिमी तट पर गुजरात में वह पश्चिमी बंगाल में जो पूर्व में है, सुंदरवन क्षेत्र में जो गंगा का जो डेल्टा है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं हैं, जो बांग्लादेश के पास में ही है। कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में ही तो है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं या आदर्श दशाएं विद्यमान हैं। अब हम पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जो छः नंबर पे पढ़ेंगे हम भूतापीय ऊर्जा, जो अंतिम हमने पांच कंप्लीट कर लिए, इसमें छः पढ़ी थी हमने, कौन सी गैर परंपरागत या आधुनिक में। अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, भूतापीय ऊर्जा पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो देखो इसी वीडियो में हम इसको कवर कर लेते हैं, वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन हम इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ी इसमें मिस्टेक हो रही है लिखने में, छः नंबर पे लिखेंगे हम भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा कौन सी है, यानी जो ज़मीन से, भूगर्भ से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। भू यानी जमीन या भूमि, यानी ज़मीन के अंदर से या भूगर्भ से आंतरिक भाग से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें लिखेंगे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का यानी ऊष्मा का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, भूतापीय
ऊर्जा कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर से, आपको पता है ज़मीन के अंदर जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो पुराने समय पर बोरवेल के पहले कुआं होता था, तो हम उसमें जाते, उसमें घुटन सी होती है गर्म, तो पृथ्वी के अंदर वो गर्म क्या होती है, ताप होता है, गर्मी होती है ना, उससे कि तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऐसा लिख सकते हैं, या ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को हम क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। और जो महासागरों से प्राप्त की जाती है तरंगों से, उसको क्या कहेंगे हम, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखो, भूतापीय ऊर्जा अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ, पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है, तप्त यानी गर्म होती होती जाती है, यानी जैसे जैसे हम गहराई में ज़मीन में अंदर की तरफ जाते हैं, तो पृथ्वी क्या होगी, हमें जितनी अंदर गहराई में जाते जाएंगे उसमें यानी गर्मी है तो वो ज़्यादा महसूस होगी या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें इसमें ज़्यादा संभावना है भूगर्भ में। आगे लिखेंगे हम, जहाँ भूतापीय यानी आंतरिक जो तपन है उसमें है प्रवणता अधिक होती है, वहाँ वहाँ उथली गहराइयों पर भी, उथली गहराइयों में पर भी अधिक तापमान पाया जाता है, अधिक तापमान पाया जाता है, पाया जाता है। यानी जहाँ पर भूतापीय प्रवणता यानी गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर उष्णता ज़्यादा होती है उस जगह पर, यानी अगर गहराई कम भी होती है तो वहाँ पर भी तापमान अधिक पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत चट्टानों से उष्मा का उत्सर्जन तप्त हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में यानी उसी तरह गहराई कम भी क्यों ना हो, यानी कम गहराई में भी उष्मा उत्पादित की जा सकती है। तो देखो, ऐसे क्षेत्रों में जो उथले हैं यानी जिनकी गहराई कम है, ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर, अवशोषण नहीं सोखना, अवशोषण कर तप्त हो जाता है, तप्त यानी गर्म, तप्त हो जाता है। यानी जहाँ पर गहराई कम लेकिन वहाँ पर भूमिगत जो ज़मीन का अंदर जल है, तो नीचे चट्टान आ गई यानी पत्थर, जैसे हम बोरवेल करते हैं, बोरिंग है तो उसमें हम देखते हैं पत्थर नीचे चट्टान आती है ना, तो उस चट्टान में भूगर्भ में जो चट्टान होती है उसके ऊपर जल पाया जाता है, तो जो भूमिगत जल होता है वो चट्टानों से, यानी जो अंदर जो चट्टान है वो गर्म होती है, अंदर गहराई में गर्मी होती है, उष्मा होती है, तो चट्टानों से वो जल क्या हो जाता है, भूमिगत जल क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है, उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है, कौन, भूमिगत जल। ये इतना तप्त हो जाता है, कौन, जल, ये इतना तप्त यानी गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उड़ते हैं, पृथ्वी की सतह की ओर यानी ऊपर की ओर उठता है, तो यह भाप में यानी वाष्प में, भाप या वाष्प में बदल जाता है।
नहीं तो जमीन के अंदर जो गर्मी है इस कारण से, उस समय कारण जो चट्टान के ऊपर जो जल पाया जाता है वो इतना ज़्यादा तप्त यानी गर्म हो जाता है कि वो भाप में यानी वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प आपको पता है वो हल्के होने के कारण कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ उड़ती है। तो इसी भाप का उपयोग कर, तो इसी भाप का उपयोग कर टरबाइन को चलाने, देखो ये सब सब में आ रहा है, टरबाइन टरबाइन से क्या बनाई जाती है विद्युत, टरबाइन को चलाने इसी वाष्प से क्या करते हैं टरबाइन को चलाने वह विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसी भाप का उपयोग क्या, इससे क्या चलती है टरबाइन चलती है, और इससे क्या बनती है बिजली बनती है। टरबाइन को चलाने वह विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, तो जो वाष्प होती है उसको उपयोग कर टरबाइन को चलाने में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो ज़मीन से पानी ऊपर की ओर आता है जो वाष्प में बदल जाता है। आगे लिखेंगे हम, भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। अब चश्मा देखो वो लगाने वाला चश्मा नहीं, जो आंखों पे लगाते वो नहीं है, जिसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो गर्म पानी के चश्मे में क्या होता है कि जो भूगर्भ में जो तब तो हमने पढ़ा चट्टानों के ऊपर जो भूमिगत जल होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं गर्म चश्मे। ठीक है, तो भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, भूतापीय ऊर्जा के दोहन। अगला लिखेंगे, भूतापीय यानी जमीन के अंदर से भूगर्भ से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। तो भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, यानी प्लांट परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कितनी, दो परियोजनाएं, जैसे हमने पढ़ा जैसे भाखड़ा नांगल, ये सब क्या है परियोजनाएं हैं, उसी प्रकार भूतापीय ऊर्जा की परियोजनाएं या प्लांट जिसको हम कह सकते हैं। एक तो कहाँ, पहला तो कहाँ, एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट, जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, कौन सी घाटी, पार्वती घाटी में, ये तो घाटी कहाँ होती है जहाँ ये पहाड़ी इलाका होता है, घाटी कहाँ होती है पहाड़ों में होती है घाटी, तो हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का राज्य है, तो यहाँ पर ये पहाड़ी राज्य हैं तो यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती है, तो पार्वती घाटी में स्थित हैं। तो याद रखेंगे कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए कितनी परियोजनाएं शुरू की गई है, दो। ये छोटा क्वेश्चन हो गया कि भारत में प्रायोगिक परियोजनाएं दो हैं, नंबर एक हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में कौन से, मणिकरण के निकट, कौन सी घाटी में, पार्वती घाटी में, तो घाटी का नाम भी याद रखना, कौन सी घाटी में, पार्वती घाटी में, मणिकरण के निकट या हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में, सब याद रख सकते हैं, पूरा याद हो तो बहुत बढ़िया है, हिमाचल प्रदेश और पार्वती घाटी तो याद होना ही चाहिए। दूसरा लिखेंगे हमें, दूसरी परियोजना लद्दाख में, जो जम्मू कश्मीर में, था लेकिन अब इसको मोदी सरकार ने क्या किया है, इसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना देनी, जम्मू कश्मीर के दो भाग कर दिए गए हैं, उसको पूरा और पश्चिम में बांट दिए हैं।
जो पूर्व की तरफ लद्दाख था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है। लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है, तो इसको विशेष रेखांकित कर लेना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लद्दाख में पूगा घाटी में। तो ये प्रश्न पूछा भारत में भूतापीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा पढ़ रहे हैं हम, भूतापीय ऊर्जा पढ़ रहे हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के दोहन की दो परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई, तो हिमाचल प्रदेश में, दूसरी लद्दाख में। तो हिमाचल प्रदेश में तो कौन सी, मणिपुर के निकट पार्वती घाटी में, दूसरा लद्दाख में, जो अब अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, पहले ये जम्मू कश्मीर में ही था, तो लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो ये आप रखेंगे, दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये पढ़ लिया हमने, आधुनिक स्रोत पढ़ लिए ऊर्जा के, जिसमें गैर परंपरागत या आधुनिक, एक ही बात है, परमाणु ऊर्जा जिसको मानविक ऊर्जा भी कह सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये कंप्लीट हमने 6 जो आधुनिक स्रोत थे ऊर्जा के, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब उसको हम काम में तो लेंगे, आने उसका सदुपयोग कैसे करें हम, जैसे हमने खनिजों का संरक्षण पढ़ा था, खनिज पूरे होने के बाद अब पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, यानी अर्थात हम जो जितने भी ऊर्जा संसाधन पढ़े हम, चाहे वो परंपरागत हो चाहे गैर परंपरागत हो, उसका संरक्षण हमें क्यों ज़रूरी है, उसको हमें व्यर्थ होने से बचाना है, या उसके जो विकल्प के रूप में जो आधुनिक स्रोत आ गए उनको हमें अधिक से अधिक काम में लेना है, या इसका मतलब ये नहीं उसको बेकार नहीं होने दे। अब संरक्षण का मतलब होता है उसको बनाए रखना या उसको बचा कर रखना, अब ये नहीं उसको काम में तो लेंगे जितनी, लेकिन उसको बेकार होने से बचाएं, या उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जैसे घरों में मान लो हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है, कूलर की ज़रूरत नहीं है, टीवी की नहीं है, तो हम उसको बंद कर दें, या हमें जिस समय लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो उसको हमने बंद कर दिया, तो वो भी बचती है, ठीक है ना। या हमने अपने घरों में सौर ऊर्जा की प्लेट लगवा ली तो वो भी ऊर्जा की बचत है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा वो तो असीम है, वो आधुनिक है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, तो उसको हम विकल्प के रूप में काम में ले सकते हैं। या ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जो ऊर्जा को कम खपत करते हो, जैसे मान लो पुराने जो घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज में लेते थे वो पहले ऊर्जा की खपत ज़्यादा, आधुनिक जो आ गए, जैसे मान लो LED बल्ब है, ये क्या करता है, रोशनी ज़्यादा देता है और ऊर्जा का अवशोषण कम करता है, विद्युत खर्च कम करता है, तो हमें ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए। तो अब ये हमने पढ़ लिया, अब अंतिम हेडिंग डालेंगे हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो हेडिंग डालेंगे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, अब वो सारी आ गई इसमें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो भी हमने पढ़ी, परंपरागत और गैर परंपरागत सब आ गए इसमें। तो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण इसमें लिखेंगे हम, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, मतलब एक तरह से रीढ़ आधारभूत, मतलब इनके अलावा ऊर्जा के बिना हम अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आधुनिक गैर परंपरागत जो भी हम काम में स्रोत ले, अगर वो बंद हो जाए तो हमारा देश का विकास रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, सब ऊर्जा से ही संभव है। आगे लिखेंगे हम, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर यानी क्षेत्र में या फील्ड में, सेक्टर जैसे कृषि, मान लो कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की वह घरेलू आवश्यकताओं की
पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है, ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता। देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, यानी हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ करना है तो कृषि में भी देखो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। अब आजकल कुएं पे हम देखते हैं बड़े सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हैं, जो प्लेटें लगी होती है उसका विकल्प हो गया, उससे हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। उद्योगों में देखो ऊर्जा की जरूरत, चाहे वो ज्वारी ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो, जल विद्युत से प्राप्त ऊर्जा हो, लेकिन ऊर्जा उद्योगों में ऊर्जा की जरूरत। परिवहन में देखो पेट्रोल डीजल ये सब ऊर्जा से चलते हैं, ये वाहन जो हैं वो ऊर्जा से चलते, पेट्रोल से चले चाहे कोयले से चले चाहे और किसी विकल्प से चले, लेकिन चलते हैं, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता। वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरों में भी हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। यानी बात या अपने देश को आगे बढ़ाने कोई भी देश हो सकता है, उसके लिए हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक सेक्टर में ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वो घरेलू हो चाहे औद्योगिक हो। आगे लिखेंगे हम, आज़ादी के बाद आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे लिखेंगे हम, ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। और देखो सतत पोषण क्या होता है कि हम वर्तमान में जो उपलब्ध प्रकृति में जो संसाधन है उसका हम इस प्रकार से उपयोग करें कि उनको हम आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रख सकें। यानी उसको ये नहीं कि हम काम में लेना ही छोड़, जैसे जल है वो भी एक संसाधन है, तो जिस हम जल को, हम जल का संरक्षण भी ज़रूरी है कि जल को हम पिए बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जल को बचाना है, जल को सेव करना है, वर्षा ऋतु में उसको सेव करें या जल को हमें जलाशयों को गंदा होने से बचाना है, जो स्वच्छ जल है उसको हमें गंदा होने से बचाना है, तो हमारा जो भी योगदान है उसको हम उसमें दे, उसको हम क्या कहेंगे, संरक्षण। आगे देखो, ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति व नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं कि हम क्या करें, नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा दें। आगे लिखेंगे हम, वर्तमान यानी प्रेजेंट में भारत विश्व के अल्पतम यानी बहुत कम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है, बहुत कम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों, इसी में लिख लेंगे, हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा।
सावधानी पूर्ण उपागम अपनाना होगा। अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए या उदाहरण, अब इसमें हम उदाहरण पढ़ेंगे कि हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो, एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन, यानी जो अपने पर्सनल व्हीकल होते हैं, वाहन की तुलना में सार्वजनिक वाहन का उपयोग करने, सार्वजनिक वाहन का उपयोग करने करके, एक तो योग है विकल्प उदाहरण, जैसे मान लो हम परिवार के 5 सदस्य हैं, एक मान लो हमारे पास में एक 4-व्हीलर कार है या मान लो मोटरसाइकिल है, तो हम सारे घर वाले या दोस्त मान लो कहीं पिकनिक पे कहीं घूमने जा रहे हो मान लो, तो हम अलग एक 5 जने जाने, एक 5 जने 5 मोटरसाइकिल या बाइक लेकर जाएंगे, तो उसमें तेल की खपत ज़्यादा होगी ना। तो इसके बजाय हम क्या करें, 5 जने एक गाड़ी में 4-व्हीलर में बैठ कर जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें पेट्रोल डीजल की बचत हो जाएगी। या हम क्या करें, अपने कहीं हम जा रहे हैं मान लो यात्रा पर, तो उस समय हम अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जाएंगे, उसकी बजाय हम क्या करें, सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। जैसे मान लो हमें 60-70 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो हम अपने पर्सनल वाहन से जाएंगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, आपको पता है। इसके अलावा हम ये किसी प्राइवेट बस में या रेल के माध्यम से, या हम रोडवेज बसें जो भी होती हैं सरकारी प्राइवेट जो भी हैं, उनमें हम यात्रा करेंगे तो उसमें हमें खर्चा बिल्कुल कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर एक मान लो एक बस में 50 आदमी बैठे हैं और वो यात्रा करें, उसमें अगर 50 जने अपनी 50 अलग अलग गाड़ियां लेकर निकलेंगे, तो उसमें देखो एक तो सड़क पर यातायात ट्रैफिक बढ़ जाएगा, और दूसरा तेल की खपत भी कितनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं, और उससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, अपने पर्सनल साधन या अपने पर्सनल वाहन की जगह हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम संसाधन को बचा सकते हैं। जैसे हम 50 व्यक्ति एक बस में बैठकर जा रहे हैं, एक 50 ने 50 बस लेकर जाएं या 50 अपनी गाड़ी लेकर जाएं पर्सनल, तो उससे कितना जो ईंधन है, जैसे पेट्रोल डीजल जिससे भी वो चल रहा है, प्राकृतिक गैस से चल रहा है, CNG से चल रहा है, तो उसमें कितना खपत होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और एक 50 एक बस में यात्रा कर रहे हैं, या 20 जने मान लो एक गाड़ी में यात्रा करें, 8 जने मान लो एक गाड़ी में यात्रा करें वो, या 8 वाहन लेकर वो अलग अलग जाएं, तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इतना तो आप भी समझते हैं। तो उसमें देखो, एक तो ट्रैफिक कम हो गया, दूसरा क्या हो गया, ईंधन की बचत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम एक समझदार नागरिक का परिचय दें, एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा देखिए, जब प्रयोग न हो अर्थात कोई वस्तु या कोई उपकरण काम में नहीं आ रहा हो, न हो रही हो तो इसको दोबारा लिखते हैं हम, जब प्रयोग न हो रही हो तो विद्युत बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से एवं आधुनिक, यानी गैर परंपरागत, आधुनिक मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों
ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना योगदान दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। दूसरा, पहला हमने पढ़ा कि हमने पर्सनल वाहन की जगह हम सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा, यानी संसाधनों का हम दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। दूसरा, जब प्रयोग न हो रहे हो तो विद्युत बंद करके, यानी जब हमारे घरों में विद्युत है वो हमारे काम में नहीं आ रहे तो उसको स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, या विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से, या आपको पता है आजकल जैसे मान लो कम खर्च वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं तो उनको हमें काम में लेना चाहिए, एक विकल्प ये होगा। इसके अलावा आधुनिक ऊर्जा के संसाधनों के प्रयोग से, जैसे कोयला, पेट्रोलियम ने पढ़ा, इसकी जगह हमने तो आधुनिक थे कौन से, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, उनकी जगह हम इनको काम में लेंगे, यानी परंपरागत की जगह हम गैर परंपरागत को काम में लेंगे, तो परंपरागत संसाधन लंबे समय तक बने रहेंगे। अगर हम आधुनिक तकनीक को काम में नहीं लेंगे, भूतापी ऊर्जा को, पवन ऊर्जा, इनको काम में नहीं लेंगे तो परंपरागत स्रोत जो सीमित है वो आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे, अर्थात ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। लास्ट में हम एक लाइन वो लिख लेंगे, अर्थात ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ये एक स्लोगन है, क्या एक स्लोगन है, यानी ऊर्जा को हम काम में लेना तो हमें पड़ेगा, लेकिन हम जब जितना जरूरत हो उतना ही हम काम में लें। जैसा इसका क्या कर सकते हैं, उदाहरण के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं, और लास्ट में हम कहेंगे कि ऊर्जा की बचत ही क्या है, ऊर्जा उत्पादन है। अगर उसको हम जितना आवश्यकता हो उतना ही काम में लें, कम विद्युत खर्च करने वाले उपकरणों को हम काम में लेंगे जिससे विद्युत की खपत कम होगी और वो बनी रहेगी। तो देखो, ये था हमारा अध्याय नंबर 5, खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो पहले आप उस सारणी को याद करेंगे तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। बाद में हमने क्या पढ़ा था, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और एक रुचिकर पाठ था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 15-20 मिनट का अलग से वीडियो बन सकता था, लेकिन मैंने इसी वीडियो में इसको ऐड कर लिया था क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला था, क्योंकि तो तीसरा वीडियो थोड़ा छोटा बनता तो, लेकिन मैंने इसी में ऐड कर लिया। आप अपनी पढ़ाई को क्या करें, जारी रखें, इसका रिवीजन करते रहें। अब ये नहीं कि तो पांचवा पार्ट है, ये तो आपका लास्ट साथ में पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये नहीं कि आप एक ही पार्ट याद करें, अब आपके आने वाले समय में टेस्ट भी लगेंगे, आपका होमवर्क भी जांच होगा, तो आप पीछे के पाठों को भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले जो क्वेश्चन है पाठ वो हम भूलते जाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले अपने नोट्स के माध्यम से या अपने इस वीडियो के माध्यम से आप इनको रिवाइज करते रहें, इनका रिवीजन करते रहें, ताकि आपको ये स्थायी रूप से याद रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात और थी, विद्यार्थी बता रहे थे कि जो हम ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो नोट्स में जो पीछे के जो क्वेश्चन वो उसमें मिला लेंगे, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, किस प्रकार बन रहा है। तो हम आगे अब यही करेंगे कि जितने आपके क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करवाएंगे, तो उसकी आप चिंता न करें, आप केवल इनको याद करते रहें। पीछे के प्रश्न भी आप जो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वो भी आप देखते रहें भी कहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया, तो उस पर भी आप ध्यान दिया जाएगा। ये न समझे कि भाई प्रश्न उत्तर नहीं करवाए जाएंगे, वो भी आपकी जो लास्ट की जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।